हाँ जी मस्तीखोर जी, स्टार्ट करिए, आप अपने विचार भाई दीजिए। भाई याद है मुझे, मैं इतने दिन लोगों को भूलता नहीं, याद है भाई। मैं जब सबसे पहले शो में आया था तब आए थे मस्तीखोर जी, इन्होंने मतलब कि जो श्लोक थे उनको उल्टा बोला था। हाँ ना भाई, जानता हूँ, भूलता नहीं किसी को। समीर नहीं, मेरे सर, साथ समीर बैठ के जी, अच्छी बातें भी करे भाई, आप दिन आए थे, मेरे एक मैं तो सिंपल कुछ सी टाइम पे क्वेश्चन करते हैं ना। है। इट नॉट टेक नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स। ओके पूछिए शेखर जी। तो विशाल जी, वाई डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर मेमोरी? शेखर जी क्या है ना, मैं अपने बताता हूँ कि मैं अपनी मेमोरी को किस तरीके से इम्प्रूव करता हूँ, मैं किसी और का नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्ञान बांटना बहुत इजी होता है और क्वेश्चन करके लोगों को विशाल इंस्पायर जी, करना आई एम नॉट आस्किंग यू हाउ, आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाई। व्हाई डू यू नीड मेमोरी? तो मैं अपना बताऊंगा ना भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा अपने बताऊंगा, जो भी है मैं वाई भी बताऊंगा, क्यों और कैसे सब मैं अपने ही बताऊंगा। अब ठीक है, आप प्लीज वही बताइए, ठीक है? हाउ भी बताइए, ठीक है? पहले वही बिल्कुल बता दीजिए, ठीक है? वाई, व्हाई डू यू नीड हाँ टू व्हाट, वाई मेमोरी हाउ विच एंड किस हाउ? कैसे सब बताऊंगा शेखर जी, मैं जो भी बताऊंगा अपने अपना पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं पूरी क्लियर अपने आपके हिसाब से, क्लियरिटी के हिसाब से दूंगा, अपनी जो मेरे को लगता है क्लियरिटी है वो उस हिसाब से पक्का दूंगा। तो रुकिए, क्या है देखिए, मैं पहली बात बता रहा हूँ, मैं जो भी दूंगा मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को बताया बोल करने के लिए नहीं दूंगा, बिकॉज मेरा ये है, मैं अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए मैं अपना बता रहा हूँ। मैं पता क्यों, बिकॉज मेमोरी इंप्रूव करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हम हर चीज़ को अपने आप को डेवलप करते हैं, कोई भी चीज़ बताए कोई परफेक्ट बन के नहीं आता दुनिया में, हर कोई बताए सीखता जाता है, हर कोई अपने आप को सुधारता जाता है, और मेमोरी इंप्रूव विशाल करना भी जी, सुधार मेरा ये सेम क्वेश्चन है। विशाल जी प्लीज, मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर मेमोरी? वही किसके हिसाब से? वही व्हाट विल हैपन? वही बता रहा हूँ, मैं आप ही के मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा ना शेखर जी, आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनिए ना, बोलूंगा मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वही बोलूंगा, क्यों? ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है? क्यों नहीं मेमोरी इंप्रूव करना हो? आई अंडरस्टैंड क्यों ऑल दिस बट क्यों मेमोरी इंप्रूव करो, या फिर क्यों मेमोरी आई इंप्रूव अंडरस्टैंड व्हाट आई करे सेइंग विशाल जी? क्यों शेखर जी, आई अंडरस्टैंड टू आई टोटली क्यों अंडरस्टैंड व्हाट वही आई बोलता सेइंग हूँ, पूछ रहा हूँ बट मैं। एक्चुअली आई आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई एम वांट टू से, आई एम नॉट से व्हाट यू वांट टू से, वांट टू नहीं, बी आप से, तो ज्ञान दे रहे, ठीक है? दैट्स ओके विशाल मैं जी, ज्ञान नहीं दे ज्ञान रहा तो भाई। सब देते हैं, ठीक है? शेखर मैं जी, खत्म करता हूँ शेखर अभी, जी, आप बोल। नहीं, एक सेकेंड सैमिक समीजिए, एक जी, सेकेंड समीजिए सैमिक जो विशाल जी, इंसल्ट इंसल्ट नहीं, आप इतना इंसल्ट करते हैं, एक्चुअली मैं ये ना पता क्या खाली हो चुके अपने अंदर से, मुझे नहीं लोग का पता नहीं, ऐसा नहीं है। जी, आर्टिस्ट जी, हम उनका टॉपिक जो पे, पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो सुनना चाहिए अपन को। भाई अपन अपने सुनना चाहिए बट कंक्लूजन बच नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अपन की वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं सर कहना जी बोला चाहते मैंने, हैं। भाई मस्ती है भाई, मतलब वो कह नंबर रहा है वो कहते हैं इंसल्ट सुनना कर रहे चाहिए। हैं, शेखर एक सर मिनट, को तो वो सुनना कहना पॉइंट चाहिए, क्या है, इंसल्ट कर रहे हैं तो वो अपनी जगह है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए अपन को। नहीं वो मस्त पूछ रहे हैं कि क्या हमें इसमें मेमोरी मेरा इंप्रूव करने पॉइंट क्यों ढूंढ रहे करनी अपना, चाहिए? मैम पॉइंट तो ढूंढ ही सकते ना किसी बात पे, पॉइंट सही ढूंढ रहे हो, इसको बोलने का तो मतलब उनको किसी बोलने दीजिए, आर्टिस्ट विशाल जी, आप थोड़ा रहिए, उनकी विचार सुनिए, चाहे अच्छे लगे चाहे बुरे लगे, एक बार आपको सुनना चाहिए। और आर्टिस्ट जी रिप्लाई चाहे कोई भी कर देंगे, मतलब चाहे मस्तीखोर जी कर देंगे चाहे कासू बोल देंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करना चाहते तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रिप्लाई करने को तैयार था बट क्या कहते हैं वो ना, वो सुनना चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं, मैं हाँ बोल रहा जी था मैं वो ही बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, ना कि वो जो सर, वो सुनना चाहेंगे, नहीं, नंबर शब्द 4 को आप मौका तो दीजिए मेरे होंगे, होस्ट जी। शब्द मेरे होंगे सर, समित उनके भी शब्द, हाँ वो ऐसा आप करते शब्द हैं बोले ना मैं मस्तीखोर रिप्लाई जी, कर अब आप देंगे, बोलिए, फिर आपके ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप रिप्लाई करिएगा, आप अपने पहले व्यूज जो रख नंबर लीजिए। 4 के जो विचार हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लेते हैं, कि उनके जो डाउट्स हों वो क्लियर हो नहीं जाए नहीं हैं। ऐसा भी होगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हमारी हूँ। स्पीच बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, पर मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको बोलने देते हैं 8 नंबर। मैम उनको दो, आप उनको उनके ओके कुछ ओके सुनाने दो, फिर ठीक हम है, चल देंगे उनके बोलने के नंबर लिए। फोर को क्वेश्चन आने दो, बोलने उन्हें दो अनम्यूट उनको, कीजिए प्लीज होस्ट जी। हाँ हाँ जी हाँ बोलिए जी आप नंबर फोर, बोलिए, हाँ हम आपको सुन रहे हैं सर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। अभी
फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सी है, ठीक है। ये बार बार न्यू जनरेशन ठीक है, तो ये कहाँ का है, ये ओल्ड जनरेशन का है क्या है विशाल जी? एक क्वेश्चन, ठीक है। शेखर जी, सेकंड है, नहीं, समीर जी, लेट मी कंप्लीट समीर जी प्लीज, ठीक है। अभी जनरेशन हिसाब से व्हाट यू मीन बाय जनरेशन, ठीक है। तो हम भी हमारा खुद का जनरेशन में हम अभी है ना, तो ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन इन बिटवीन जनरेशन ये फिर वो क्या है, ठीक है। सेकेंड है कि नेगेटिविटी आता है, ठीक है, वो बोलते हैं कि वो क्या है, वो न्यू जनरेशन में ऐसे से करता है यार, सब ऐसे ही करता है यार, आप नहीं किया है ना तो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नो चेंजेस, सी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है विशाल जी, चेंज इज इनेविटेबल, ठीक है, आपको चेंज ही करना पड़ता है, ठीक है। आप चेंज हो तो ही आगे जा सकते हैं, अगर नहीं चेंज करेंगे ना तो अब पीछे का ही रहते रहते आप ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज ओनली टू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू कंक्लूड समित जी प्लीज। हाँ जी, 8 नंबर, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। मैम इनने उन्हें कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे, उन्होंने सिर्फ एडवाइस दी है, क्वेश्चन पूछे इनसे, क्या क्वेश्चन है इनका? नहीं, वो रहने दीजिए, उन्होंने अपना व्यू बोल दिया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम सबके व्यू सुन लें, 8 नंबर के और आपके भी कासू। आप तो बोल भी चुके हैं, और कहना चाहते हैं तो आप कहिए। मैम पहले उनका क्वेश्चन था कि अच्छा हमें ठीक है, मेमोरी क्यों इम्प्रूव करनी चाहिए, है ना हाँ ओके 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 फाइन फाइन। सो थर्ड क्वेश्चन मैं कासो जी, बताता हूँ, ठीक है आई आई पहले मैं फॉरगॉट इसका इट। आंसर देता हूँ फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछना। थर्ड वन आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, द पहले थर्ड क्वेश्चन वाज फॉर विशाल जी बोल रहे थे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर मेमोरी, ठीक है, वो आया था, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा हुआ ना, तो 3 क्वेश्चन है यार कासो जी, ठीक है। वन इज है कि जनरेशन हिसाब से, ठीक है, सो यू कैनॉट डिपेंड और यू कैनॉट कंपेयर विद जनरेशन, ठीक है, जनरेशन 1 2 3 4 5 नहीं है। सेकेंड है कि सी जनरेशन तो चलता रहता है, ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन यार, सी लाइफ मूव्स ऑन, ठीक है, यू कैनॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। थर्ड है, ठीक है, आप पूछ रहे थे ना कि इम्प्रूव योर मेमोरी, वाई शुड यू इम्प्रूव योर मेमोरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बोलिए वाई शुड यू इम्प्रूव योर मेमोरी, वही फॉर व्हाट? मैं बताता हूँ सर, हमें इम्प्रूव क्यों करनी चाहिए, हाँ मेमोरी मेमोरी इम्प्रूव हाँ इसलिए बोलिए करनी प्लीज। चाहिए जनरेशन के हिसाब से बताता हूँ मैं सर, क्योंकि आज की जनरेशन काफ़ी आगे जा चुकी है, हर मतलब हर यूथ में कंपटीशन काफ़ी आगे, कोई भी यूथ ले लीजिए, मतलब कोई गेम ले लीजिए या फिर कोई स्टडी ले लीजिए, अब स्टडी है, स्टडी को देख लीजिए, हमें मतलब कि कोई भी स्टडी ले लो, कोई भी लाइन ले लो, उसमें मतलब स्टडी की उसमें मतलब कि है ना कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि पूछो मत। और पहली बात तो ये है कि कसु जी, आप कंप्लीट होने के बाद ना आप प्लीज मुझे पूछे तो मैं रिप्लाई देता हूँ, मैं देता हूँ आपको, ठीक है ना? हाँ प्लीज पहली कंटिन्यू बात प्लीज। तो ये सर की स्टडी है ना मतलब काफी हाई लेवल की हो गई है, मतलब स्टडी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें मतलब कि बार बार कोई भी क्वेश्चन आंसर रिपीट ना करने के लिए मेमोरी तेज करनी पड़ेगी, जैसे आज पढ़ लिया कल के लिए, और मेमोरी तेज मतलब कि हर आर्टिस्ट जी मैं एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आर्टिस्ट जी, क्या है इंसान की मेमोरी का साइंस, साइंस के इंसान की मेमोरी का साइंस क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, अवगत कराए हमें आर्टिस्ट एक जी। मिनट सर, मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मेरी लाइन में उनको, शेखर जी को। सर मैं एक चेस प्लेयर हूँ, मेरे को काफ़ी वेरिएशन याद,